हम बात करते हैं वसी ऊतक या एडिपोज टिश्यू की। तो बच्चों, वसा या फैट, आपने देखा होगा कि हमारे त्वचा के नीचे या जीव के त्वचा के नीचे फैट जमा हो जाता है, वसा जमा होता है, और यही एक प्रकार का त्वचीय ऊतक है जिसको हम कहते हैं चर्बी। तो आपने देखी होंगी, देखिए पेट की चर्बी, ऐसी जो ऊँट होता है, ऊँट की जो कुबड़ होती है, ये भी ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की चर्बी है, यहाँ पर भी वसा का जमाव है। तो यहाँ पर कौन से ऊतक पाए जाते हैं? वसी ऊतक। जहाँ पर वसा होगी मतलब वहाँ पर कौन से ऊतक है? वसी ऊतक है। अब ये वसी ऊतक, इनका क्या काम होता है? तो ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, और झटकों से हमारे शरीर के अंगों को, झटकों से, दबाव से ये रक्षा करते हैं। क्योंकि जितनी वसा रहेगी, जितनी चर्बी रहेगी, हमारे शरीर के अंदर के अंग उतने ही सुरक्षित रहेंगे, जल्दी से झटका नहीं लगेगा। अगर लगेगा भी तो पहले कहाँ पर लगेगा? हमारे शरीर की जो वसा है उस पर झटका लगेगा। तो शरीर के अंदर के जो अंग है उसकी झटकों से या चोटों से क्या करती है? रक्षा, अंगों को दबाव से बचाती है। तो इस प्रकार से वसी जो ऊतक होती है, ये एक प्रकार की संयोजी ऊतक ही है जो हमारे शरीर की रक्षा कर रही है। तीसरा जो संयोजी ऊतक है वो है तरल संयोजी ऊतक, या जिसे हम कहते हैं फ्लूइड टिश्यू। अब तरल है मतलब कहीं ना कहीं ये द्रव अवस्था में है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है, जैसे कि रक्त और लसीका। तो बच्चों, रक्त जो होता है ये तरल संयोजी ऊतक है, और इसका कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। क्योंकि रक्त जो है वो हमारे हर एक शरीर के हर एक अंग तक पहुंच रहा है, और हर एक अंग तक ये जो रक्त होता है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, ठीक है। इसके अलावा रक्त में जो अन्य पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि WBCs है, ये क्या करते हैं? रोगों से रक्षा करती है। तो हम कह सकते हैं कि रक्त जो है हमारे शरीर को रोगों से बचाता है, साथ ही हमारे शरीर का तापमान भी रक्त के कारण नियंत्रित रहता है। तो इस प्रकार से रक्त जो है ये तरल संयोजी ऊतक है। अब बात करते हैं कि लसीका। लसीका जो है ये रंगहीन द्रव है। जैसे रक्त रंगीन होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, लेकिन जो लसीका होती है ये रंगहीन ऊतक है, ठीक है। किस प्रकार का ऊतक है? ये भी तरल ऊतक है, और ये भी क्या करता है? वसा के परिवहन में सहायता प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं चौथा जो संयोजी ऊतक है, वो है कंकाली ऊतक। तो कंकाल, या जिसको हम कहते हैं स्केलेटन, ये आपने देखा है, ये देखिए हमारे शरीर को एक आकार प्रदान हुआ है, क्योंकि ये हमारे शरीर का जो एक ढांचा बना हुआ है इसी कंकाल के कारण बना हुआ है, ठीक है। तो शरीर का ढांचा बनाना या हमारे शरीर के अंदर में पाए जाने वाले अंगों को सुरक्षित करने का काम करता है ये कंकाली ऊतक। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे शरीर में ब्रेन होता है, ठीक है, मस्तिष्क, तो ये कहाँ पर सुरक्षित है? इसको बाहर से सुरक्षा जो प्रदान कर रहा है वो होता है स्कल या खोपड़ी। तो पहले जब अगर झटका लगेगा या किसी प्रकार की चोट लगेगी तो कहाँ पर लगेगी? स्कल पर लगेगी, खोपड़ी में लगेगी, हमारे ब्रेन में डायरेक्ट नहीं लगेगी। तो कहीं ना कहीं ये कंकाल क्या कर रहा है? हमारे शरीर के जो अंग है उसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फेफड़ों की बात करें तो फेफड़े भी किसके अंदर में सुरक्षित है? ये रिब केज दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर में हमारे फेफड़े सुरक्षित है। तो शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है, शरीर की एक जो बनावट हमारी दिखाई देती है ये कंकालीय ऊतक के कारण ही होती है। अब ये कंकालीय जो ऊतक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक है अस्थि और दूसरा है उपास्थि। अस्थि मतलब बोन्स, उपास्थि मीन्स कार्टिलेज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे शरीर में हड्डियाँ पाई जाती हैं, ये बोन्स है, और कहीं ना कहीं ये बोन जो होती है
हमारे शरीर में जो बोन मैरो होती है ये रक्त के निर्माण में सहायक होती है। ये हमारे शरीर का कठोर अंग होती है और ये भी क्या कहे, ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, क्योंकि हड्डी से हड्डी जुड़ी है और हड्डियाँ जो होती है वो मसल से मांसपेशियों से जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं हड्डी और मांसपेशियों के जुड़ाव के कारण ही हम क्या कर पा रहे हैं, गति कर पा रहे हैं, हमारे शरीर के अंगों को हम हिला पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एक प्रकार का क्या है, संयोजी ऊतक है। ऐसे अगर हम उपास्थि की बात करें, मतलब कार्टिलेज की बात करें, तो कार्टिलेज हमको कहाँ कहाँ पर दिख रहा है, आप देखिए हमारे कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ में, यहाँ पर देख रहे हैं आपको जो सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है ये क्या है, कार्टिलेज है, उपास्थि है, ठीक है। तो अस्थियों के जोड़ में भी ये क्या करती है, कार्टिलेज उपस्थित रहता है। तो ये कान की हड्डी, नाक, अस्थियों के जोड़ ये कार्टिलेज के बने होते हैं, मतलब उपास्थि के बने होते हैं, और कहीं ना कहीं ये जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो टेंडन होता है, टेंडन क्या करता है, मसल्स को मतलब मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, ठीक है। ऐसे ही कार्टिलेज क्या करेगा, ठीक है, कार्टिलेज बोन को बोन से जोड़ने का काम कर रहा है, मतलब हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कार्टिलेज कर रहा है। टेंडन क्या कर रहे हैं, बोन को मसल्स से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो संयोजी ऊतक होता है इनका काम होता है एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ना। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं पेशी ऊतक की। तीसरा जो जंतु ऊतक का प्रकार है वो है पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू। हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं ये इन्हीं पेशी ऊतक की बनी होती हैं। अब मांसपेशियाँ जो ये पेशी ऊतक होते हैं ये कैसे होते हैं, बहुत ही कोमल, और इन पेशियों के संकुचन से ही हम क्या कर पाते हैं, गति कर पाते हैं। अब पेशियों में संकुचन की क्षमता पाई जाती है जिसके कारण हम गति कर पाते हैं। तो कोशिकाएं, जैसे कि मैंने बताई मांसपेशियों की जो कोशिकाएं होती है कैसी होती है, लंबी होती है, कोमल होती है, और इन्हीं में जब संकुचन होता है तब क्या होता है, कोई भी जीव गति कर पाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन पेशी ऊतक में पेशी तंतु भी पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये पेशी तंतु पाए जाते हैं। साथ ही पेशियों में विशेष प्रकार के प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, और ये जो प्रोटीन होते हैं इनको हम कहते हैं संकुचनशील प्रोटीन, मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, और इन्हीं प्रोटीन के संकुचन और शिथिलन से ही जीव क्या कर पाता है, गति कर पाता है या मूवमेंट कर पाता है। कोई भी अंग अगर मूव कर रहा है, जैसे हाथ मूव कर रहे हैं या गर्दन मूव कर रही, पैर मूव कर रहे हैं, क्योंकि इन कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन्स होते हैं, संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, इनमें जब संकुचन और शिथिलन होगा तब क्या होगी, गति प्रदान होती है इनकी सहायता से। तो ये जो पेशी ऊतक होते हैं बच्चों ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है रेखित पेशी या जिसे हम कहते हैं वॉलेंट्री मसल, दूसरा है अरेखित पेशी इनवॉलेंट्री मसल, और तीसरा है हृदय पेशी या कार्डियक मसल। सबसे पहले हम बात करते हैं रेखित पेशी, मतलब ऐसी पेशियाँ जो हमारे इच्छा अनुसार काम करती है, जैसे कि हमारे गर्दन में पाए जाने वाली, हमारे हाथ पैरों में पाए जाने, मतलब जिन अंगों को हम अपने इच्छा अनुसार मूव करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए हमारे जबड़े में कितने प्रकार की पेशियाँ उपस्थित हैं, और जबड़े को हम अपने इच्छा अनुसार क्या कर पा रहे हैं, हिला पा रहे हैं, ऊपर नीचे कर पा रहे हैं। तो जिन भी अंगों को हम अपनी इच्छा अनुसार हिला पाते हैं, मूव कर पाते हैं, तो ये यहाँ पर कौन सी मसल्स होंगी, रेखित पेशी या वॉलेंट्री मसल्स उपस्थित होती है, और ये कहीं ना कहीं इनको हम अपने इच्छा अनुसार मूव करा पाते हैं। तो अगर हमारे शरीर के मांसपेशियों में थकान आ जाती है, आपने देखा होगा कभी कभी हम बहुत चलने पे या कुछ काम करने पर हमको थकान महसूस होती है। थकान महसूस क्यों होती है, तो कहीं ना कहीं हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, और इस लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ही हमारी मांसपेशियों में या हमें थकान महसूस होती है। अब है दूसरा अरेखित या इनवॉलेंट्री मसल्स। अरेखित जो पेशी ऊतक होते हैं ये ऐसे ऊतक होते हैं जो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करते हैं, ठीक है।
वो हमारी इच्छा अनुसार काम कर रहे थे, वे कौन से मसल थे? रेखित मसल। वो क्यों हमारी इच्छा अनुसार काम कर रहे थे? क्योंकि वहाँ पर जो हड्डियाँ थी ये हमारी पेशियों से जुड़ी हुई है, ठीक है। रेखित पेशी जो ऊतक होते हैं वो हड्डियों से जुड़ी होती है। अब हम अरेखित पेशी की बात करेंगे तो ये हड्डियों से जुड़ी हुई नहीं होती है। अरेखित पेशी मतलब इनवॉलेंट्री मसल जो हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करते हैं, और यहाँ पर ये हड्डियों से जुड़े हुए नहीं रहते। ये जो अंग होते हैं जैसे कि हमारा हृदय है या आहार नली है, श्वास नली है, यहाँ पर जो भी गति होंगी ये हम अपने इच्छानुसार इसे कंट्रोल या नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने आप हो रही है, हमें हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये जो पेशी ऊतक होते हैं ये कौन से होते हैं? अरेखित पेशी ऊतक होते हैं। तीसरा जो होता है हृदय पेशी या कार्डियक मसल, तो हमारा जो हार्ट होता है, हृदय होता है, ये हृदय पेशी कोशिकाओं का, हृदय पेशी ऊतक का बना होता है, ठीक है। तो हृदय पेशी कोशिकाएं कैसे दिखती है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसकी परमानेंट स्लाइड आपके लैब में अगर उपलब्ध है तो आप माइक्रोस्कोप में हृदय पेशी को माइक्रोस्कोप में देखिए, आपको कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। तो इस प्रकार से रेखित पेशी की स्लाइड आपको दिखाई देगी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। तो ये सभी क्या है? ये सभी पेशी ऊतक है जो हमारे शरीर के अलग अलग भाग में पाए जाते हैं। तो बच्चों अब हमारा जो चौथा जंतु ऊतक का प्रकार है वो है तंत्रिका ऊतक, या जिसे हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। तो ये जो तंत्रिका ऊतक होते हैं ये तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होता है। तो हमारा जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, जो नर्व्स है, ये सभी तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्रांचेस दिखाई दे रही है, ये सभी क्या है? ये तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका ऊतक है। तो इनका क्या कार्य होता है? तो ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से संवेदनाओं और उद्दीपनों का संवहन करते हैं, मतलब इसका आदान प्रदान करते हैं। जैसे मान लिया जाए हमें किसी प्रकार की चोट आ जाए या हमें कांटा चुभ जाए, तो कांटा अगर आपके पैरों पर चुभता है तो आप क्या करते हैं? पैरों को तुरंत हटा लेते हैं, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलता है? इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं के समूह की वजह से या तंत्रिका ऊतक की वजह से हमें पता चलता है, क्योंकि ये जो संवेदना है ये संवेदनाएँ हमारे ब्रेन तक पहुँचती है और फिर इन संवेदनाओं के प्रति एक प्रतिक्रिया व्यक्त होती है जिसके कारण हम अपने पैरों को पीछे हटा लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो तंत्रिका ऊतक है, जो नर्वस टिश्यू है, ऐसे काम करता है और इस प्रकार से ये दिखाई देता है। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने जाना कि ऊतक क्या है और जंतु में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, ऐसे ही पेड़ पौधों या पादप में भी कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं ये ऊतक की। तो ये जो ऊतक है ये कोशिकाओं का ही एक समूह होता है, साथ ही उनके बाहर पाए जाने वाले एक वातावरण का सम्मिलित रूप है। मतलब कोशिकाओं का समूह और उसके आसपास के वातावरण का सम्मिलित रूप जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और ये जो ऊतक है, जो कोशिकाओं का समूह है और इसके बाहर का जो वातावरण है, इन दोनों की आपस की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही क्या करते हैं ये ऊतक? एक से ज़्यादा कार्य कर पाते हैं। तो बच्चों क्या आप जानते हैं कि ऊतक जो होते हैं ये एक विशेष प्रकार के द्रव से घिरे रहते हैं। जो वातावरण की मैं बात कर रही हूँ ये एक प्रकार का द्रव है, और इस द्रव में कुछ लवण की एक निश्चित मात्रा होती है, और अगर इन द्रव में लवण की निश्चित मात्रा कम या ज़्यादा हो जाए तो हमारा ऊतक वैसे काम नहीं करेगा जैसे उसे करना चाहिए। तो इस माध्यम को, द्रव के माध्यम को ठीक से रखना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारे शरीर का हर एक ऊतक जो है वो सही रूप से कार्य कर पाए। तो ऊतकों के बीच का द्रव्य हमारे शरीर के अलग अलग कार्यों को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों ऊतक क्या होते हैं ये हम जान गए, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं जिसमें हमने पादप ऊतक के प्रकार को भी जाना और जंतु ऊतक के प्रकार को भी जाना। आइए हम पादप और जंतु ऊतक के बारे में कुछ चर्चा करते हैं और इनके इनमें पाए जाने वाले ऊतक के कार्यों को भी हम कंपेयर या इनकी तुलना करते हैं। तो
अगर हम एक कोशिकीय जीव की बात करें बच्चों, तो एक कोशिकीय जीव में किसी प्रकार के विशेष प्रकार के ऊतक तो होते नहीं, क्योंकि उनका जो शरीर होता है एक ही कोशिका का बना होता है। तो जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती है वो एक ही कोशिका के अंदर में होती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव जैसे कि पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, इनमें जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होगी इनके लिए विशेष प्रकार के अंग उपस्थित है और इन्हीं की सहायता से सभी जैविक प्रक्रियाएं पूर्ण होती है। जैसे कि प्रजनन है, उत्सर्जन है, परिवहन है, श्वसन है, ये सभी जैविक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष प्रकार के अंग होते हैं। और ये जो विशेष प्रकार के अंग होते हैं ये विशेष प्रकार के ऊतक के बने होते हैं, ये हम जान गए। तो जैसे मान लिया जाए अगर जंतु में अस्थि और पौधों में जाइलम ऐसे ऊतक है जो जंतु और पौधों को क्या कर रहे, सहारा प्रदान कर रहे, जहाँ पर अस्थि अंगों की आंतरिक सुरक्षा प्रदान कर रही है, सहारा दे रही है, वही जाइलम क्या कर रहा है, पानी खनिज लवण का संवहन कर रहा है, साथ ही सहारा दे रहा है। तो इस प्रकार से जंतु और पौधों में पाए जाने वाले जो ऊतक होते हैं वो कार्य करते हैं। ऐसे अगर हम पौधों में पत्तियों के बात करें, या पत्ते एक प्रकार का अंग है मान लिया जाए पौधों में, ऐसे अगर जंतुओं में आँख जो होती है वो एक अंग है, तो ये पत्ती में पर्णहरिम पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और जब पत्ती प्रकाश की उपस्थिति में इस पर्णहरिम की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब इनमें होती है, भोजन का निर्माण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। ऐसे जंतुओं में आँख से देखने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। ऐसी जीवों के शरीर में कुछ ऊतक ऐसे पाए जाते हैं बहुत तेज़ी से जो वृद्धि करते हैं, मतलब जिनमें विभाजन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ऊतक क्या करते हैं, अतिशीघ्र वृद्धि करते हैं और ये शरीर के लगभग सभी भागों में उपस्थित होते हैं, जैसे कि त्वचा में या आंतरिक अंग की जो सतह बनाने वाली ऊतक होती है वहाँ पर इस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जो किसी जीव की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा रेशेयुक्त ऊतक पाए जाते हैं। रेशेयुक्त ऊतक जैसे कि जंतु के अगर हम बात करें तो पेशी ऊतक पाए जाते हैं, और जो इन शरीर को सहारा लचीलापन प्रदान करते हैं। वैसी पौधों की अगर बात करें तो पौधों में संवहन ऊतक पाए जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये भी सहारा प्रदान कर रहे हैं पौधों को। तो ये जो ऊतक होते हैं ये एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि हमने संयोजी ऊतक की बात की थी, एक ऊतक एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करते हैं। और ऐसे ऊतक होते हैं जो अतिशीघ्र वृद्धि करने की क्षमता रखते हैं, मतलब विभाजन की क्षमता रखते हैं, और इसी के वजह से जो जीवों की वृद्धि है या मरम्मत की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से या सरल रूप से होती रहती है। बच्चों अब हम एक ऐसी कोशिका के बारे में बात करेंगे जो अभी भी विकसित होने या विभाजन की क्षमता रखती है, और उस कोशिका का नाम है स्टेम कोशिका, स्टेम सेल, या जिसे हम कहते हैं मूल कोशिका। बच्चों जंतुओं में एक सीमा तक वृद्धि होने के बाद कोशिकाओं का जो विभाजन है वो रुक जाता है, मतलब कोशिका बाद में विभाजित नहीं होती है। लेकिन जीवों के शरीर में कुछ कोशिकाएं ऐसी भी पाई जाती है जो अभी भी विभाजित होने की क्षमता रखती है। सामान्य कोशिकाएं तो नहीं रख रही है, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो अभी भी विभाजन की क्षमता रखती है, जिसे हम कह रहे स्टेम सेल या मूल कोशिकाएं। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों कि जब किसी अंग की कोशिकाएं किसी कारण से मुरझा जाती है या सड़ जाती है या खराब हो जाती है या मरकर झड़ जाती है, तब ये स्टेम कोशिकाएं क्या करती है, नई कोशिका बनाकर उसकी क्षतिपूर्ति कर देती है। साथ ही ये जो स्टेम कोशिकाएं होती है ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में मददगार साबित हुई हैं। तो इन कोशिकाओं को क्या किया जाता है, जिस भाग में मरम्मत करनी हो या रिपेयर करना हो या जो भाग शरीर का जो अंग खराब हुआ हो
वहाँ पर इन कोशिकाओं को डाल दिया जाता है, ठीक है। तो जब इन कोशिकाओं को वहाँ पर डाल दिया जाता है तो ये जो स्टेम कोशिकाएं होती है ये क्या करेगी, जिस अंग में डाला है वह उसी अंग में जो कोशिकाएं पाई जाती है वैसी ही कोशिकाओं का ये निर्माण करने लगती है, और जिससे वो जो भाग होता है जो खराब हो गया है जिसकी मरम्मत करना आवश्यक हो गया है वो भाग फिर से वैसी ही कोशिका बनाना चालू कर देता है और वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है या उसकी मरम्मत हो जाती है। जैसे मान लिया जाए कि हृदय की कुछ कोशिकाएं खराब हो जाए किसी कारण से, चोट लगने से या किसी ऑपरेशन करने से वहाँ आपकी कुछ कोशिकाएं खराब हो जाए, तो क्या किया जाता है, ये जो स्टेम कोशिकाएं या स्टेम सेल है इन्हें इंजेक्ट किया जाता है, वहाँ पर डाला जाता है। और जब हम इन्हें इंजेक्ट करेंगे तो ये स्टेम कोशिकाएं हृदय में पाई जाने वाली कोशिकाओं जैसी ही कोशिकाएं बनाने लगेगी और वो वाला जो भाग है हृदय का वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसकी क्या हो जाएगी, मरम्मत हो जाएगी। इस प्रकार से ये जो स्टेम कोशिकाएं हैं इनका अभी बहुत अधिक उपयोग हो रहा है रोगों के इलाज कराने में, विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में इन स्टेम कोशिकाओं का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। जैसे मान लिया जाए आँख की कॉर्निया की अगर कोई सेल डैमेज हो जाए तो क्या किया जाएगा, ऐसी आँख की कोशिकाओं जैसी कोशिकाएं का निर्माण किया जाएगा, मतलब स्टेम कोशिकाओं को बनाया जाएगा और इन स्टेम कोशिकाओं को इन आँख के कॉर्निया वाले भाग में ट्रांसप्लांट किया जाएगा। जब ये वहाँ पर पहुँच जाएंगी स्टेम कोशिकाएं तो फिर से वैसी कोशिकाओं का निर्माण करेगी और इस प्रकार से वो जो आँख का कॉर्निया वाला भाग है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो क्योंकि बच्चों अभी जो अंग का प्रत्यारोपण होता है मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जो प्रक्रिया होती है बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और इतने आसानी से अंग भी नहीं मिलते कि हम एक अंग को दूसरे जीव के शरीर में ट्रांसप्लांट कर ले, इतना आसान नहीं होता है और ना ही अंग हमें मिल पाते हैं। तो इसलिए अभी जो स्टेम सेल की जो थेरेपी है इसका अभी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है ताकि विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज हम इसके द्वारा कर सकें। कैंसर जैसे, ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां भी इससे ठीक करने के लिए इन स्टेम कोशिकाओं की शरीर में खोज की जा रही है, बहुत सारी स्टेम कोशिकाओं का पता चल गया और भी स्टेम कोशिकाएँ जो होती है उनकी भी खोज अभी भी वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं। तो ये जो स्टेम कोशिकाएँ होती है ये हमारे शरीर में जो बोन मैरो है, अस्थि मज्जा है, वहाँ पर स्टेम कोशिकाओं की खोज हो चुकी है। इसके अलावा जो नवजात शिशु होते हैं उनके जो प्लेसेंटा जो आवल होती हैं उनकी जो गर्भनाल होती है उनमें भी ये स्टेम कोशिकाएं पाई जाती है, तो उनको प्रयोगशाला में सुरक्षित रखा जाता है ताकि जब इस प्रकार की सिचुएशन आए या किसी की बीमारी को ठीक करने की ज़रूरत पड़े तब इन स्टेम सेल को प्रयोगशाला में ही क्या किया जाता है, बहुत सारी स्टेम कोशिकाएं बनाई जाती है और फिर इनका ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिस भी जीव के शरीर के अंग को ठीक करना वहाँ पर इन कोशिकाओं को ट्रांसप्लांट किया जाता है और बीमारियों को ठीक किया जाता है। तो बच्चों जब ये स्टेम कोशिकाएं डिवाइड होती है मतलब जब ये स्टेम कोशिकाएं विभाजित होती है तो बहुत सारी संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो जब ये संतति कोशिका डिवाइड होगी या विभाजित होंगी तब ये क्या बनाएगी, एक तो ये कुछ ऐसी कोशिकाओं का निर्माण करेगी जहाँ पर इसको डाला गया है, मतलब जिस भी अंग में इन स्टेम कोशिकाओं का डाला गया है वैसी कोशिकाओं का यह निर्माण करेगी और दूसरी जो कोशिका बनाएगी वो होगी स्टेम कोशिका। तो इस प्रकार से जब स्टेम कोशिका विभाजित होती है तब और एक स्टेम कोशिका का निर्माण करती है, साथ ही और भी कोशिकाएं बनाती है, जिस भी भाग में इसको डाला जाए उसी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस प्रकार से बच्चों स्टेम कोशिका का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है रोगों के इलाज में, हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं, ब्लड से संबंधित जो बीमारियां हैं, इन रोगों को ठीक करने के लिए स्टेम सेल थेरेपी का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है। बच्चों अब हम बात करेंगे ऊतक की संरचना और उनके द्वारा किए गए कार्य में किस प्रकार का संबंध है। तो ऊतकों की संरचना और कार्य में घनिष्ठ संबंध होता है क्योंकि हम जानते हैं कि कोशिका से ऊतक बने, ऊतक से अंग बने, अंग से अंग तंत्र और इस प्रकार से एक जीव का निर्माण हुआ होगा।
लेकिन ये जो संरचनात्मक संगठन हम देख रहे कि कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र और जीव जो बना, ये एक झटके में तो हुआ नहीं होगा। ये समय के साथ साथ विकास हुआ, समय के साथ साथ मतलब बहुत धीरे धीरे एक कोशिका से ऊतक बना होगा, फिर अंग बना होगा, अंगतंत्र और ऐसे जीव का निर्माण हुआ होगा। तो ये जो प्रक्रिया हुई होगी बहुत ही धीरे धीरे हुई होगी, मतलब पहले एक कोशिकीय जीव इस पृथ्वी पर आए होंगे और फिर इन एक कोशिकीय जीवों से ही बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ होगा और ये 580 वर्ष मिलियन पूर्व हुआ। तो कहीं ना कहीं जब एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हुआ होगा तो इनके जो संरचना थी, इनके इनमें जो पाए जाने वाले ऊतक की संरचना थी, इनमें भी परिवर्तन हुआ होगा और इनके ऊतक की संरचना में परिवर्तन हुआ होगा तो इनके द्वारा किए गए कार्यों में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई पौधा जो जलीय पौधा होगा और वो जलीय पौधा जब स्थलीय पौधा बना होगा तो उनमें कैसे परिवर्तन हुए होंगे। तो जो पौधा जल में रह रहा है, मतलब जलीय पौधा है, तो जलीय पौधा है जब वो स्थल में आया होगा तब स्थल में उसे क्या क्या मिल रहा था, उस पौधे को स्थल में सूर्य का प्रकाश मिलने लगा, श्वसन के लिए ऑक्सीजन मिलने लगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलने लगी। अब ये तो उसे प्राप्त हो रहा था, लेकिन एक चुनौती उस पौधे के सामने ये थी कि उसको अपने आप को सूखने से बचाना था क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो जलीय पौधा था, उसको आदत नहीं थी सूर्य के प्रकाश की। तो सूर्य के प्रकाश से बचने के लिए उसे चुनौती मिली, तब उस पौधे में क्या परिवर्तन हुए होंगे, कहीं ना कहीं उस पौधे में ऐसे जड़ें विकसित हुई होंगी जो शाखित होने लगी और ये शाखित जड़ें इसलिए होने लगी ताकि अधिक से अधिक पानी का अवशोषण कर सके। फिर जब जड़ें शाखित होने लगी होगी तब अधिक से अधिक पानी का ये अवशोषण करने लगी। अब पानी का अवशोषण तो करने लगी लेकिन ये पानी पौधे के सभी भागों में कैसे पहुँचा होगा, तो कहीं ना कहीं इस पौधे में नलिका रूपी संरचनाओं का निर्माण हुआ होगा जिसको अब हम जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं, ठीक है। तो ये नलिका रूपी संरचना का जब निर्माण हुआ होगा जो पानी और खनिज लवण को पौधे के भागों में पहुंचा रहा होगा, तब जाके वो जो पौधा है स्थल में जीवित रहने लगा होगा। तो इस प्रकार से जल में रहने वाला पौधा स्थल में विकसित हुआ होगा तो कहीं ना कहीं ऊतक की संरचना में भी परिवर्तन हुआ और उनके द्वारा किए गए कार्य में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, ठीक है। ऐसे अगर हम जंतु की बात करें कि मान लिया जाए कि जो जलीय जंतु होगा जब वो स्थलीय जीव बना होगा, तो जलीय जंतु क्योंकि पानी में रहते श्वसन त्वचा के द्वारा हवा का आदान प्रदान हो रहा होगा, लेकिन जब वो जीव स्थल में आया होगा तब वो हवा के संपर्क में आया होगा और हवा के संपर्क में आने पर कहीं ना कहीं उसका शरीर सूखने लगा होगा। तो अपने आप को बचाने के लिए उस जीव के शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनमें परिवर्तन होने लगा और वो इस प्रकार से व्यवस्थित हो गई कि वो अधिक से अधिक हवा का अवशोषण करने लगी, अधिक से अधिक हवा को ग्रहण करने लगी। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा तंत्र वहाँ पर विकसित हुआ जिसको हम अभी कह रहे हैं श्वसन तंत्र, जिसमें फेफड़े मुख्य रूप से कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं फेफड़ों का निर्माण हुआ होगा और ये जो फेफड़े होते हैं इनका क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है, हवा का आदान प्रदान अच्छे से होता है क्योंकि इनकी जो सतह होती है ये बहुस्तरीय होती है और वलयित होती है। तो इस प्रकार से क्या हुआ होगा, जो जीवों का विकास धीरे धीरे हुआ होगा और एक कोशिकीय जीव से जब बहुकोशिकीय जीव बने होंगे या जलीय जीव जब स्थलीय जीव बने होंगे कहीं ना कहीं उनमें पाए जाने वाली कोशिका, उनमें पाए जाने वाली ऊतक की संरचना में भी परिवर्तन हुआ होगा और इस प्रकार से संरचना में परिवर्तन हुआ तो उनके द्वारा किए गए कार्यों में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। इस प्रकार से जीवों में जो ऊतक पाए जाते हैं उनकी संरचना के आधार पर उनके कार्य, ऊतक के कार्य और संरचना में घनिष्ठ संबंध होता है। तो बच्चों इस प्रकार आपको इस चैप्टर से कुछ प्रश्नों की तैयारी करनी होगी। जैसे चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है कि ऊतक किसे कहते हैं, मतलब ऊतक क्या है, ये दो नंबर के लिए आपको पूछा जा सकता है। स्क्लेरेनकाइमा से संबंधित, मतलब स्क्लेरेनकाइमा ऊतक के कौन कौन से उदाहरण हैं, ये पूछे जा सकते हैं दो नंबर के लिए। इसके अलावा
जो प्रश्न पूछा जाता है वो है कि किन्हीं तीन ऊतक के कार्य को अपने शब्दों में लिखिए। कोई भी तीन ऊतक के बारे में आपको बताना है कि वो किस किस प्रकार का कार्य करते हैं। एक और प्रश्न है जो कि मैंने बताया था कि रक्त को संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो इस चैप्टर से पूछा जाता है। जंतु ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में समूहीकृत किया गया है, उनके क्या क्या कार्य हैं। ऐसे ही पादप ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है, उनके क्या क्या कार्य हैं, इन सब के ऊपर में प्रश्न पूछा जाता है। एक और प्रश्न है जो कि बुक में नहीं दिया हुआ है, पीछे में दिया हुआ है, जो है कि आजकल नवजात शिशु के गर्भनाल को प्रयोगशाला में सुरक्षित क्यों रखा जाता है। क्योंकि अभी हमने स्टेम कोशिका स्टेम सेल के बात की थी, बस उसी से संबंधित इसका उत्तर है। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो इस चैप्टर से आपको पूछे जा सकते हैं।